तो हेलो मित्रों, कैसे हो? मस्त ना? तो गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू और फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूँ। और गाइस, आज का वीडियो होने वाला है हमारे न्यू कोबरा इवेंट के ऊपर। और गाइस, यहाँ पे हमारे फ्री फायर में आज एक न्यू इवेंट आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए टोकन्स कलेक्ट करनी होगी। और गाइस, ये टोकन्स कहाँ से मिलेगी, आप लोग को इसको कैसे एक्सचेंज करना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो मित्रों, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और जिस बंदे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भूले बिना जरूर सब्सक्राइब कर दो ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू कर दे एनी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, अभी यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, येलो कोबरा टोकन एक्सचेंज इवेंट आ चुका है, जिसमें यहाँ पे आप लोग को मिलने वाले एक्समेट्स के क्रिएट्स और गाइस यहाँ पे पैरासूट। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप लोग को पूरे के पूरे 3 एक्समेट के क्रिएट्स मिलने वाले हैं। और गाइस, इसके लिए आप लोग को 20 टोकन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गाइस, मैं आपको बता देता हूँ ये जो टोकन है वो आप लोग को कैसे कलेक्ट करनी है। और गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग को सबसे ज़्यादा टोकन कलेक्ट करनी है तो आप लोग को कैसे मिलेगी। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना जो क्लासिक मैच होता है वो स्टार्ट कर देना है। बाद में इस क्लासिक मैच के द्वारा आप लोगों को बंदों को किल करना है, और जैसे ही बंदों को किल करोगे तब यहाँ पे उनकी डेड बॉडी में से आप लोगों को ये जो येलो कोबरा टोकन्स मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग येलो कोबरा टोकन्स कलेक्ट कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस, अगर आप लोग ये मेरी ट्रिक आजमाओगे तो गाइस आप लोगों को सबसे जल्दी से जल्दी पैरासूट और तीनों के तीनों एक्समेट के क्रिएट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने ट्रिक कही है वो याद से आजमाना। और गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग के क्लासिक मैच में भी कुछ मतलब कि आप लोग अगर जा रहे हो और जल्दी जल्दी मर जा रहे हो तो क्या करना पता है? सबसे पहले गाइस, आप लोगों को एक अपने फ्रेंड का फ़ोन लेना है और उसको बोलना है कि नूब आईडी स्टार्ट करे। नूब आईडी स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो नूब आईडी में से बोलना है उसको कि तुझे इन्वाइट करे। बाद में गाइस, आप लोगों को दोनों में डुओ में मिलकर खेलना है, ठीक है। गाइस, बाद में जब आप लोग खेलोगे तब यहाँ पे आप लोगों को एकदम नॉर्मल बन जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे पहले से गेम स्टार्ट करते हैं वैसे बन जाएंगे। सो गाइस, ये ट्रिक आजमाना और अपना कोबरा टोकन है। और गाइस, यहाँ पे एक क्लैश स्क्वाड प्लेयर्स के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा टोकन है वो आप लोग को क्लैश स्क्वाड में नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोग ज़्यादा क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो आज के द्वारा आज के दिन क्लैश स्क्वाड मत खेलना। गाइस, आज क्लासिक या तो रैंक खेल लो जिससे आप लोग को ये सारे के सारे टोकन्स मिल जाए। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, आप लोग यहाँ पे एक मैच में जितने भी किल करोगे उतने टोकन्स आप लोग को मिलेंगे उसके लूट बॉक्स में से, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड भी किल करेगा तो आप अगर आप उसकी लूट बॉक्स सबसे पहले लूटोगे तो भी आपको ही पहले टोकन मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग को ये टोकन्स मिलने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भूले बिना जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।